सोमवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में विजय कुमार नामक व्यक्ति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें विजय कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, तो उस समय वे सरकारी नौकरी कर रहे थे, जिस कारण विभाग ने उन्हें NOC नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई में भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला था, तो अब उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष एक याचिका डाली है। जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें मैं 2012 से इन प्रोसेस में लगा हुआ। 2012 का भी मैं इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश या किसी कोई हर्डल होने की वजह से वो इलेक्शन मैं कंटेस्ट नहीं कर पाया, लिहाजा इस इलेक्शन को मैंने चुनौती देनी भी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाके सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पटिशन के ऊपर जजमेंट या ऑर्डर देने की बजाय उन्होंने मेरे को ओपिनियन दे दिया, जो ओपिनियन कि एक कॉमन ओपिनियन था, जो प्रणब मुखर्जी की फेवर में भी था और मेरी फेवर में भी था। तो इसलिए जो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो चैनल था वो एग्जॉस्ट करके फिर मैंने अपनी पटिशन जो है डायरेक्ट राष्ट्रपति जी को इस पक्ष रखी थी कि मुझे जो है इस राष्ट्रपति पद पे पदोन्नति दी जाए, एलिवेट किया जाए। तो उनकी जो मेरी पटिशन है 2015 से राष्ट्रपति जी के पास पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसका वो अभी तक डिसीजन नहीं दे पा रहे, और ये जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन है इसकी नोटिफिकेशन इस प्रोसेस के अंदर जारी हो गई है, और मैं चाहता हूँ राष्ट्रपति जी इस जो है चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर रोक लगा के या इसको रद्द करके मेरी पटिशन के ऊपर जो है फैसला दें और मुझे जो है राष्ट्रपति पद के ऊपर एलिवेट करें। एक पेटेंट और इन्वेंटर होने के नाते मैं राष्ट्रपति के पद के लिए अपने आप को क्लेमेंट मानता हूँ।